guys, welcome to my channel you all. Thank you for clicking on this video, and if you are new here, please do consider subscribing to my channel before watching the entire video. So by now you guys would know ki aaj ka video kya hone wala hai, and yes, you guys gonna control my life for legit 24 hours. So main aapko पोल दूंगी आपको इंस्टाग्राम पे, आपको वहाँ वोट करना है और बताना है कि आज मैं क्या करूँगी दिन भर अकॉर्डिंग टू योर्स वोट, और जिसमें ज़्यादा वोट आएंगे मैं वही करूँगी. सो प्लीज़ सोच समझ कर करना, क्योंकि बहुत कुछ है आगे जाके बताऊँगी. सो जस्ट टू गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू वोट, आई जस्ट अपलोडेड लास्ट नाइट कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूँ, एंड इट वॉज आलू पराठा और पोहे कांदे. And you guys voted for आलू पराठा, which I was not expecting, because कल रात तक था कि सारे कांदे पोहे में कर रहे थे. सुबह जब मैंने देखा तो majority of the votes were for आलू पराठा. So yes, I made myself आलू पराठा. Yes, I made myself, not my mom made me. And yes, this is my morning breakfast for today. Two आलू पराठेस and ketchup. So I'm gonna eat that and I will catch you later. मेरा आलू पराठा बहुत फालतू बना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरी मम्मी बहुत अच्छे से मसाले वगैरह डाल के आलू पराठे बनाया करती थी, और मैंने बहुत सिंपल से बनाया, सिर्फ आलू का स्टफ दिया और कुछ भी नहीं है. तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत गंदा सा पराठे खा रही हूँ आज, बिल्कुल आलू पराठे का वाइब नहीं आ रहा. तो कितनी अच्छी कुक हूँ, यू कैन नो. सेकेंड पोल, सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट और अभी मैं बैठी हूँ. सो यूजली आई डू मंडला और सम आर्ट वर्क, बट टूडे आई डिसाइडेड टू डू अकाउंट्स. तो मैंने पोल पर डाला था कि आई शुड डू अकाउंट्स और मंडला, एंड मेजोरिटी हैव वोटेड फॉर अकाउंट्स. सो आई एम गोना डू अकाउंट्स राइट नाउ. और उससे पहले हम और दो पोल चढ़ा देते हैं अपने स्टोरी पे, ताकि लोग अपने वोट करें. एंड दो पोल मैंने चढ़ा दिया है, 3 और 4. थर्ड पोल में है कि आई शुड डू माई चम्पी एंड फेस मास्किंग और नॉट, एंड आई रियली वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज 7th और 8th को मेरा कुछ प्लान है कहीं बाहर जाने का, एंड आई वॉन्ट टू गिव माई स्किन थोड़ा सा नरिशमेंट और थोड़ा सा सेल्फ केयर पैम्परिंग टाइप का, 1 हफ्ता लगातार, ताकि उस टाइम तक मेरा स्किन थोड़ा अच्छा हो जाए. एंड 4th पोल इज फॉर मैं जाके पार्लर में आईब्रो अपना शेप करूँ या नहीं, एंड आई वॉन्ट बोथ कि हाँ हो जाए ताकि मैं करूँ. बिकॉज इसमें ट्विस्ट है कि इफ यू गाइज वोट नो देन आई विल बी डूइंग स्ट्रेट आफ्टर 1 month. तो अगर आप वोट करते हो नहीं कि तुम पार्लर मत जाओ, तो जितना आप आईब्रोज देख रहे हो उसी में आपको सारा वीडियोज देखना पड़ेगा, एंड आगे भी जितने भी वीडियोज आएंगे सर इसमें देखना पड़ेगा. आई विल डू माई आईब्रोज स्ट्रेट आफ्टर 1 month. सो प्लीज वोट अच्छे से और अकॉर्डिंगली. टिल देन आई विल बी डूइंग माई अकाउंट्स एंड आई विल सी माई वोट आफ्टर 1 hour. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. ओके गाइज, सो जस्ट फिनिश डूइंग अकाउंट्स. आई ओनली डिड 5 questions बिकॉज इसके अलावा इसके बाद मेरा और कैपेसिटी है नहीं करने को. देर इज नो करंट. सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक करंट गया हुआ है. तो बहुत गंदा दिन चूज किया है मैंने अपना वीडियो बनाने के लिए. बट एनी वेज, जब स्टार्ट हुआ है तो आई एम गोना फिनिश दिस. और अभी आप लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने वोट किया है कि आई शुड डू माई चम्पी एंड फेस मास्किंग. जस्ट इग्नोर माई हेयर और मेरा सकल बिकॉज बहुत गर्मी है, बट स्टिल आई एम व्लॉगिंग फॉर यू ऑल. एंड मैरी विल कम, देन हम दोनों मिलकर जाएंगे थ्रेडिंग कराने. सो नाउ वट आई विल बी डूइंग इज डू माई चम्पी एंड विल कैच यू गाइज लेटर. चम्पी इज ओवर राइट नाउ और अभी मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने, एंड दैट्स इट, वी आर गोइंग टू डू अ थ्रेडिंग फाइनली. ओके गाइज, सो जस्ट केम बैक फ्रॉम द पार्लर और थोड़ा शावर वावर लेके मैं फ्रेश हो गई. ऑल्सो मैंने अपना बाल धोया एंड माई आईब्रोज लुक फार बेटर राइट नाउ, बहुत अच्छा दिख रहा है. एंड आई ऑल्सो डिड माई अपर लिप्स, सो बोथ आर डन. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर शॉपिंग. तो मैंने अपनी मम्मी को बोल रखा था कि मैं सैटरडे को उनको शॉपिंग लेकर जाऊँगी. सो मैंने अपने पोल पे छोड़ा है कि मैं शॉपिंग जाऊँ या नहीं, एंड लेट्स सी, 1 hour तक वेट करते हैं एंड लेट्स सी वॉट यू गाइज वोट फॉर यस और नो. और हाँ, चेकिंग माई पोल्स आफ्टर 30 minutes एंड आई एम सो ब्लेस्ड विथ
अच्छे अच्छे फॉलोअर्स दैट यू गाइस टोल्ड कि हाँ मैं शॉपिंग जा सकती हूँ. एंड यस फाइनली आई एम गोइंग लिटरली. और मुझे जाने का बहुत मन था. इवन आप नहीं भी बोलते शायद मैं चीट कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे जाने का. Happiest kid when it comes to shopping, and right now we are in Big Bazaar. So yes. Standing outside mall right now, and we are going to eat like momos. यहाँ मुझे अच्छे खासे momos दिख रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि ये हमें खाना चाहिए, बिकॉज बहुत दिन से मोमोज नहीं खाया यार. सो नाउ राइट नाउ वी विल हैव मोमोज. After shopping and मैंने कोई पोल नहीं डाला था उस टाइम कि मुझे क्या खरीदना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत जोर जोर से बारिश हो रहा था और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं पोल हर समय छोड़ू. बट एनी वेज आप लोगों ने बहुत देरी तक मुझे ये पोल में साथ दिया है, आप लोगों ने वोट किया है और लकीली मैं इतनी अच्छी मैंने इतनी लकी हूँ कि आप लोगों ने मेरा सब टाइम साथ दिया. आप सभी ने पॉजिटिवली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. एंड नाउ मेरा लास्ट पोल था कि शुड आई वॉच बिग बॉस और नेटफ्लिक्स. तो मेरे को पर्सनली तो बिग बॉस देखने का मन था, लेकिन आई डोंट वॉन्ट क्योंकि आज ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, एंट्री वेंट्री करने वाले. और मुझे फिलहाल फार्गो देखने का मन है, तो फिर मैं वो अभी वो देखूंगी. एंड मैंने सोचा कि व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. एंड लेट्स एंड द व्लॉग राइट हियर. एंड अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल यू ऑल. एंड आई विल मीट यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ.